कर लिए सर, आज अपन GLA चला रहे भाई, GLA 220D है, फेसलिफ्ट वेरिएंट है ये, फर्स्ट जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल है, 2017 में जो आया था, ठीक है, 220D 4MATIC, दिस इज डीजल टॉप एंड, तो अपन देखेंगे इसका पूरा सर्विस मेंटेनेंस क्या रहता, एंड माइलेज का बात अपन आखिरी में करेंगे, एंड यहाँ गाइस बिफोर गोइंग फॉर अ टेस्ट ड्राइव डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट आवर इंस्टाग्राम पेज, वी कीप पोस्टिंग बेस्ट यूज्ड कार डील्स इन हैदराबाद, चलो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। सो गाइस आज अपन मर्सिडीज बेंज GLA चला रहे, सो दिस पर्टिकुलर बेबी द 2017 मॉडल, अपना फेसलिफ्ट मॉडल है ये, 2013 में लॉन्च हुई थी एंड इट केम इनटिल 2020 दिस शेप, ओके 2017 में इसका फेसलिफ्ट आया था। द वन विच वी आर ड्राइविंग टुडे इज अ 2017 मॉडल GLA 220D 4MATIC है भाई ये, ठीक है, 4MATIC बोले तो द पावर इज सेंट आउट टू ऑल फोर व्हील्स, बोले तो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है भाई। GLA अपना रेगुलरली यूजुअली फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती, बट दिस इज 4MATIC ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट अपना जो हो गया, डीजल का टॉप एंड मॉडल है ये। अपने को इसमें 2200 सीसी का फोर सिलेंडर का डीजल इंजन मिलता है भाई, ठीक है, 220D इंजन जो है। द इंजन कोड इज OM651, इट्स अ फेमस यूनिवर्सल इंजन, पूरे मर्सिडीज के मॉडल्स में आपको ये इंजन दिख जाता, 250D ले लो, ई क्लास में ले लो, सी क्लास, ए क्लास, बी क्लास, अपना क्या बोलते हैं वी क्लास, तो इट्स अ प्रीटी गुड वेल नोन इंजन OM651। तो या गाइस मार्केट में इसके कंप्यूटर्स कौन कौन थे बैक इन द डे, बोले तो अपनी जो BMW की X1 हो गई, Audi Q3 हो गई, Volvo की XC60 हो गई, अपनी जो एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट लग्जरी SUV है वो सेगमेंट में कम्पीट करती है गाड़ी। एंड या गाइस कमिंग टू द फीडबैक, आपको मजा आएगा गाड़ी चलाने में, यू नो दैट इट इज़ प्रीटी फन टू ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव है, तो स्टेयरिंग ऑब्वियसली इट इज़ लाइट इन सिटी बट इट इज़ फुल ऑफ फीडबैक, आपको मजा आएगा गाड़ी चलाने में, हम जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते रहते स्टेयरिंग का फीडबैक भी बढ़ते रहता। एंड या गाइस एज ऑलवेज से नो कार इज मेंटेनेंस फ्री, बी दैट मर्सिडीज, बी दैट BMW, बी दैट वोल्वो, बी दैट हुंडई, बी दैट मारुति, बी दैट होंडा, बी दैट टोयोटा, बी दैट फोर्ड, बी दैट महिंद्रा, बी दैट एनी अदर कंपनी, बी दैट एनी अदर ब्रांड, एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेंटेन इट, यू हैव टू गिव द एसेंशियल्स द कार नीड्स, अदरवाइज गाड़ी मेंटेन नहीं होती लॉन्ग टर्म में एंड इट विल गिव यू प्रॉब्लम्स इन द लॉन्ग रन। एंड या गाइस एज ऑलवेज से आपको कंपनी में जाने की कोई जरूरत नहीं है फॉर पार्ट्स एंड सर्विस, आप अपने गराज पे आ सकते डायरेक्टली, वी प्रोवाइड जेन्युइन OEM पार्ट्स एंड सर्विस, ओके, बी दैट जनरल सर्विस, बी दैट पार्ट रिप्लेसमेंट, पूरा अपने पास जेन्युइन रहता। चलो इसके जनरल सर्विस और मेंटेनेंस का बात कर लेंगे अभी, लेट्स गो। अपन GLA चला के आया अभी, ठीक है, 2017 मॉडल है ये, फेसलिफ्ट मॉडल है, टू GLA 220D 4MATIC डीजल ऑटोमेटिक, 4MATIC बोले तो ऑल व्हील ड्राइव रहता भाई, ठीक है, पावर इज सेंट आउट टू ऑल फोर व्हील्स, तो लेट्स स्टार्ट इसका जनरल सर्विस। तो फॉर एवरी 10,000 किलोमीटर्स योर जनरल सर्विस कॉस्ट विल कम आउट टू बी 12,500 रुपीज भाई, आपको ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, कूलेंट टॉप अप जो भी होता 12,500 रुपीज में होता, ओके। नाउ मूविंग ऑन, इसके ब्रेक पैड्स, फ्रंट एंड रेयर ब्रेक पैड विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज भाई, आपका आगे का ब्रेक पैड अलग रहता, पीछे का ब्रेक पैड अलग रहता, तो ईच न्यू ब्रेक पैड सेट विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज, ओके। नाउ मूविंग ऑन, इसका टायर 245/45 R19 inches के टायर्स है ये, तो ईच न्यू टायर विल कॉस्ट यू अराउंड 20,000 रुपीज भाई, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी आप कौन सा ले रहे, अपना योकोहामा हो गया, अपना ब्रिजस्टोन हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, थोड़ा 200-300 रुपए ऊपर नीचे होता, ठीक है, 245/45 R19 inches के टायर है ये, ओके, 20,000 रुपीज में आपका टायर आता, ओके। और लास्टली कमिंग टू इसका बैटरी, 80 mAh की बैटरी चलती भाई, एक्साइड ले रहे, आमरन ले रहे, 9,500 रुपीज की बैटरी आपकी, ओके, 80 mAh। सो यहाँ गाइस दैट वाज द मेंटेनेंस, नाउ कमिंग टू द माइलेज भाई, देखो बिना क्रॉसओवर हैचबैक है ये, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एवरेज नहीं मिल रहा, तो सिटी में यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 10-12 देते रहती, एंड हाईवे पे इफ यू जेंटली क्रूजिंग आपको 18-19 तक भी 18-19 का भी एवरेज मिल सकता, ठीक है। एंड यहाँ गाइस इफ यू लुकिंग फॉर अ GLA इन अ बजट ऑफ अराउंड 15-20 lakhs, आप आके देख सकते हैं गाड़ी, फेसलिफ्ट मॉडल अगर आप देख रहे, आपको एक मर्सिडीज में एंटर करना है, हैचबैक चाहिए, आपको सेडान नहीं चाहिए, आप आके देख सकते हैं गाड़ी, ठीक है, बहुत कम चली हुई है, 33,000 के आसपास ही चली हुई है, एंड इज प्रीटी वेल मेंटेन्ड, ठीक है, आप आके देख सकते हैं गाड़ी। एंड यहाँ गाइज एज ऑलवेज से अपना क्या बोलते हैं, आपको कंपनी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने गैराज पे आ सकते हैं डायरेक्टली फॉर पार्ट्स एंड सर्विस, कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप पहले की वीडियोस नहीं देखे वो भी देखो, आपको सर्विस और मेंटेनेंस का आइडिया हो जाता है गाड़ियों का क्या रहता। चलो सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, चीयर्स, यो।